हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ क्लासेस बाय शिवानी। क्या आप में से किसी को ऐसी प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है, फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है एंड दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो हेयर इज़ द सॉल्यूशन। डू वॉच माय वीडियोस, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग एट वन प्लेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस। आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस। जब आप ये टर्म पढ़ते प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस, यू कम अक्रॉस द वर्ड डिटेंशन। अ पर्सन इज डिटेन्ड और अरेस्टेड आइदर अंडर द ऑर्डनरी लॉस और अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस। अंडर द ऑर्डनरी लॉस, अ डिटेंशन इज ऑफ प्यूनिटिव नेचर, मीनिंग देयर बाय अ पर्सन इज पनिश्ड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर द ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट। एंड दैट अरेस्टेड पर्सन इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। He has the right to consult the legal practitioner of his choice and has to be produced before the nearest magistrate within 24 hours. तो ordinary laws में जो detention होता है, यह है उसका एक normal आपका procedure. But preventive detention laws में a person is being detained without trial and conviction by the court. यहाँ पे person को punish करना ही object नहीं होता है कि उसने कोई ऑफेंस किया है इसलिए उसको पनिश करना है, बल्कि उसको प्रिवेंट करना होता है फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर। तो ये जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ना ही केवल आपका एक प्रिकॉशनरी मेजर है, बट ये आपका एक शक के बिना पे बेस्ड होता है। मतलब कि यहाँ पे अ पर्सन इज बीन डिटेन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट ही मे डिस्टर्ब द लॉ एंड ऑर्डर, तब उसको डिटेन कर लिया जाता है। उसने अभी यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस। मैंने अपनी मार्शल लॉ की वीडियो में आपको समझाया था दैट ब्रिटिशर्स पास रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, आल्सो नोन एज द ब्लैक लॉस, अंडर विच दे डिराइव द इनॉर्मस पावर्स टू अरेस्ट एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, लाइक देयर विल बी नो वारंट, नो ट्रायल, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। And this is a preventive detention laws. Hence, we can say that preventive detention laws has been introduced by the colonial government, against which Gandhiji organized the first India protest also. So, during the national movements, Rabindranath Tagore ji, Sarojini Naidu ji, Pandit Nehru ji, they were very active in the civil rights movement in the country. Especially Nehru ji ne humse ye promise kiya that in independent India, there will be no black law. But unfortunately, when Indian Constitution was framed, this provision was retained in the Indian Constitution, especially in the Part 3 of the Constitution. So, problem कहाँ पर है? Constitution में इसको retain करने के पीछे का जो reason था, that was to provide the constitutional safeguard to the person who has been arrested under this law. But it was misused. हालांकि और भी कंट्रीज़ में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है, बट दैट इज़ बीन अप्लाइड इन इमरजेंसी सिचुएशन। बट इन आवर कंट्री इट इज़ इवन अप्लाइड इन द नॉर्मल टाइम्स, दैट टू बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज बाय द पार्लियामेंट। नाउ वी विल डू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दैट प्रोविजन वेयर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हैज़ बीन रिटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज़ आर्टिकल 22। सो आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट टू थिंग्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट डील्स विद द ऑर्डनरी लॉज and second part of it deals with the preventive detention laws. अब हम ये देखते हैं कि इसके provision में क्या बोला गया है। देखिए, according to article 22, no person can be detained beyond 3 months, although ordinary detention होता है 24 hours का। अब इसका ये exception ये है, police can detain the person beyond 3 months with the approval of advisory board, and that advisory board consists of the person qualified to be of high court judge. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है? हेड अक्यूज हैज़ नो राइट टू रिप्रेजेंटेशन इन द एडवाइजरी बोर्ड। एन एडवाइजरी बोर्ड विल लिसन टू द नरेटिव ऑफ द पुलिस एंड मोस्ट लाइकली द डिसीजन विल गो अगेंस्ट द अक्यूज्ड। नाउ इसके रिगार्डिंग नेशनल कमीशन के रिकमेंडेशंस थे कि जो डिटेंशन है दैट शुड बी लाइक बियॉन्ड 6 months, एंड रिगार्डिंग द एडवाइजरी बोर्ड देर शुड बी चेयरमैन, देर शुड बी मेम्बर, एंड दिस शुड कंसिस्ट ऑफ द पर्सन क्वालिफाइड टू बी ऑफ हाई कोर्ट जज। अब ये जो एक्सेप्शन है, अब इसका भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि इन एनी केस द लॉ इज़ बीन पास बाय द पार्लियामेंट, देन जो आपकी ये प्रोटेक्शन है कि पुलिस डिटेन तो कर सकती है 3 महीने से ज़्यादा, बट विद द अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, तो ये भी आपकी प्रोटेक्शन वेव ऑफ हो जाएगी। मतलब कि उस लॉ में अगर दे रखा है कि पुलिस कैन डिटेन फॉर 1 ईयर, देन दिस प्रोटेक्शन विल वेव ऑफ।
There has been laws which have allowed to remain the person detained under the police custody without being presented in the court of judicial magistrate, even like for beyond 5 years. So ये एक problem है यहाँ पर. तो in short जो आपका article 22 है वो protections तो provide करता है, but these protections are not strong enough. As well as constitution ये कहता है कि every person has the right to defend himself. अब उसके लिए उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा, बट यहाँ भी एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन ये है कि पुलिस कैन डिनाई द डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट्स कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में या फिर नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में हो जाएगा, तो वो फैक्ट डिनाई कर सकता है. सो पूरी प्रॉब्लम इसके एक्सेप्शंस में लाई करती है, यू सी दैट. सो गाइज, नाउ वी आर डन विद द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस प्रोविजन. सो टू इम्पॉर्टेंट केस लॉस, पहला इनिशियल ऑफ द लेक्चर बता दिया है. सेकेंड है आपका AK रॉय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1982. इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू ओनली ऑन द लिमिटेड grounds. सो एक ओवरऑल पूरा हमने पढ़ लिया है. अब इसके कुछ फैक्चुअल, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स इसके ये हैं कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है वो आपका यूनियन लिस्ट एंट्री 9, कॉन्करेंट लिस्ट एंट्री 3 में है. एंड दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज डज नॉट अप्लाई टू द एनिमी एलियन. अब एनिमी एलियन क्या होता है? एनी नेटिव या फिर कोई सिटीजन जो है दैट इज़ बीन लाइक अगेंस्ट द डोमेस्टिक और द गवर्नमेंट इज इन कन्फ्लिक्ट एंड दे आर लाइबल टू बी एप्रीहेंडेड, रिस्टेंड, सिक्योर्ड एंड रिमूव्ड. तो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज एनिमी एलियन पे नहीं लगता है. नाउ वी आर कम्प्लीटली डन विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज. सो गाइज, इफ यू हैव एंजॉयड माई सेशन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉ क्लासेस विद शिवानी. विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care, bye-bye.